इस इश्क में मर जावा। इनफैक्ट आपको एक सच बात बताऊं, एक्चुअली ये सब कुछ मैंने आपसे दोस्ती करने के लिए किया है। You're joking. Not at all. चलिए, खराब ना सही, जूसी सही, दोस्त तो कर सकता है। To your health. To your health. फोन ऑन करते ही वाइफ का फोन आ गया। हेलो। हाँ रोहित। हेलो। हाँ थोड़ी आवाज कट रही है। हेलो। हाँ हेलो, वो एक्चुअली वाइफ का फोन है, मैं अभी चलता हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आज का ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। या। मुझे भी ये दिन हमेशा याद रहेगा। You take care of yourself. Yeah, you. Ah. You. सर, मैं आपको कल से फोन लगा रहा हूँ, आपका फोन बंद क्यों है? कहाँ हैं आप? मेम साहब ने एक और खून कर दिया। What? आप फौरन वापस आइए, प्लीज जल्दी आइए। तारा कहाँ है? उन्हें मैं वापस घर ले आया हूँ, लेकिन आप फौरन वापस आइए। मुझे अभी इसी वक्त शिमला जाना होगा, तारा को बचाने के लिए सारे सबूत मिटाने होंगे। गुड मॉर्निंग सर। सर, वो मैं नॉक करता पर दरवाजा पहले से ही खुला था, तो फिर बैठे बैठे सो गए। सर, सर, सर आंखें खोलिए सर। सर क्या हो गया था सर? तो यही है। मेरा सर दीप यहां क्यों आया था और मैं बेहोश कैसे हुआ? जरूर दीप का काम होगा, पर क्यों? सबूत भी यहीं पर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
आप जल्दी शिमला चलिए। शिमला? शिमला क्यों? सर वहां पर एक और मर्डर हो गया है और इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो मर्डर भी सीरियल किलर जैसा है। क्या? हाँ सर। इतने बड़े होटल में कहाँ ढूंढूं दीप को? Excuse me. Yes, ma'am. आपने मेरे हस्बैंड मिस्टर दीप रायचंद को कहीं देखा है? Yes, ma'am. वो किसी बहुत इम्पोर्टेंट काम से शिमला वापस चले गए हैं। शिमला? शिमला चले गए? Yes, ma'am. दीप बिना मुझे कुछ बताए, बिना कुछ कहे या अकेला छोड़कर शिमला चले गए? क्या हो रहा है ये सब? ऐसा क्या हो गया कि दीप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए? प्लीज भगवान जी, आई होप सब ठीक हो। The number you are trying to reach is currently unavailable. Please try again later. दीप का तो फोन भी नहीं लग रहा। हम तो यहाँ साथ में हनीमून मनाने आए थे ना। पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं? पहले दीप ने मेरी ड्रिंक में गोली मिलाकर मुझे बेहोश करने की कोशिश की, एविडेंस भी वो अदला बंदी नहीं कर पाया। अब जिस लड़की पर शक है उसे छोड़कर खुद शिमला चला गया, पर अब खबर मिली है कि शिमला में एक और मर्डर हुआ। ये दीप चक्कर क्या चला रहा है? ये दीप बड़ी जल्दी में निकल गया यहां से। कोई बहुत अर्जेंट काम आ गया होगा लगता है। लेकिन अब आपका क्या होगा? आप इस होटल में अकेले कैसे रहेंगे? वैसे हम वापस शिमला जा रहे हैं, चलिए हमारे साथ। देखिए प्लीज, मुझे अब से कोई बात नहीं करनी है। एक मिनट, कमाल है, कभी आप नाराज हो जाती हैं, कभी धमकियां देती हैं, कभी डांटती हैं। कितने रूप हैं आपके? धमकियां तो आप लोग देते हैं, मैंने कब दी? कब दी? अच्छा, इतनी जल्दी भूल गई? आप ये मत कहिएगा कि आप मुझे जानती नहीं। एनीवेज, चलिए साथ में चलिए, बाकी की बातें रास्ते में हो जाएंगी। चलिए। देखिए प्लीज, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है। तो किसके साथ जाएंगी? दीप के साथ? वो तो चला गया आपको छोड़कर। यहाँ अकेले इस होटल में कैसे रहेंगी आप? जाइए, अपना सामान लेकर आइए, मैं भी चेंज करके आता हूँ। जाइए। आप इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हैं? प्लीज थोड़ा धीरे चलाइए, मुझे डर लग रहा है। घबराइए मत मिसेस रायचंद, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आप इंस्पेक्टर लक्ष्य प्रधान के साथ हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाय द वे, दीप ने आपको कोई वजह बताई कि वो अचानक ऐसे शिमला के लिए क्यों निकल गया? कुछ जरूरी काम आ गया था, इसीलिए उन्हें जाना पड़ा। इतना जरूरी काम कि अपनी नई नवेली दुल्हन को हनीमून पे एक अनजान शहर में इस तरह अकेले छोड़कर चला गया? वैसे कमाल की बात है, मुझे भी नहीं बताया उसने। वो आपको क्यों बताएंगे? अरे आपको पता नहीं है, सुबह वो मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। आपके साथ? हाँ, शायद जूस पिलाकर सीधा शिमला की तरफ निकल गया।